जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आपने थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको लेके चलते हैं अयोध्या के बेस्ट और सबसे नए प्रोजेक्ट, जो कि अयोध्या क्रूज सेवा चालू हुआ है। अयोध्या क्रूज लाइन जो कि नए घाट से और गुप्तार घाट तक जाएगी। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं, उसके बारे में अपडेट देते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे हमें आशा है। और आपको हम बताएं कि अभी हम लोग फिलहाल जटायु क्रूज पे हैं और इस क्रूज के बारे में एक एक करके आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो भैया हैं ये भी बहुत ही खुश हैं और आनंदित महसूस कर रहे हैं इस क्रूज को अयोध्या में चलने की वजह से। तो आइए आपको इस क्रूज के बारे में एक एक करके इन्फॉर्मेशन देते हैं, इस क्रूज की हर एक विशेषताओं को आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं। जब से देश में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का फैसला आया है, तब से देश एकदम राममय हो चुका है। और उसका प्रतीक यहाँ पे स्वयं दिखाई देता है कि ये जो क्रूज कंपनी है, इसने भगवान श्री राम के इस नाम का इतना तर्ज दिया कि आपको इस जटायु क्रूज पे जगह जगह भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ दिखेगा। और भगवान श्री राम की बहुत सारी फोटोज़ और अलग अलग इमेजिनेशंस बनाई हुई दिखाई देंगी। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक चलती फिरती अयोध्या पे घूम रहे हैं, और इसका आनंद लेते हुए आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगा। और इससे घाट का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग दिखाई देता है। आइए पहले घाट का नज़ारा दिखाते हैं आपको, उसके बाद से आगे इसके अंदर लेके चलेंगे और इसके बारे में बताएंगे हम लोग। अयोध्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है और उसकी एक झलक आपको ये दिखाई दे रही है। और आपको बताएं, इसका जो इनॉग्रेशन था, उद्घाटन करने के लिए यहाँ के तत्कालीन मंत्री जो थे वो आए हुए थे, मंत्री महोदय, उनके हाथों से इसका जो है कि फीता काटा गया और इसकी ओपनिंग हुई। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं, SDM और SP के साथ ये मंत्री महोदय चल रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इस सिप को और इस अयोध्या के विकास को देखने के लिए अग्रसर थे, अयोध्या के विकास को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और आपको बताएं सिप के बारे में, तो ये सिप जो है कि मुंबई की एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो है वो चला रही है, और उनसे बात भी हुई तो इसके बारे में पता चला कि ये सिप जो है कि ये पहली सिप है और आने वाले समयों में और सारी सिप यहाँ पे चलेंगी। लगभग 6 महीने बाद ये लोग 3 और सिप लॉन्च करेंगे। तो इसका मतलब ये 6 महीने 2024 तक जो है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चार चार जो है कि बोट, बड़ी बड़ी ये क्रूज दिखाई देंगी आपको। सॉरी, बोट कह के मैंने गलत किया। तो आपको बताएं, इसके साथ साथ दो छोटी छोटी जो है कि स्टीमर बोट भी आई हुई हैं, और इसका भी राइड आपको हम लोग दिखाएंगे। और इसका राइड हम लोगों ने खुद किया भी, जो कि बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आनंद महसूस हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे एक जो है कि इसी टीम मेंबर में से एक आदमी मिले जिन्होंने इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी, वो आपको हम दिखाते हैं। आइए देखते हैं इस डिटेल्स को। तो जय श्री राम दोस्तों, हम लोग आए हैं अयोध्या, अयोध्या के इस सरयू घाट पे क्रूज सेवा जो है कि चालू हो रही है, जो कि सतीश यादव जी के मतलब ये संचालन और निरीक्षण में चालू हो रही है। हम इनसे बात करते हैं।
जी भैया। तो सर ये जो है कि क्रूज सेवा मतलब हमेशा चालू रहेगी? जी जी परमानेंट चालू रहेगा। और इसका जो है कि किराया कितना रुपए है? जी मान के चलिए 300 रुपया आदमी का। और ये सर कितने किलोमीटर घुमाया जाएगा ये टोटल? मान के चलिए सरजी नदी से आरती घाट से मान के चलिए अपना ये गुप्तार घाट तक का। अच्छा ये गुप्तार घाट तक का, तो ये टोटल वहाँ से फिर वापस आएगी? जी भैया। तो चलिए आइए दिखाते हैं इस क्रूज सेवा में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अंदर चल के आपको अंदर दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है आई लव अयोध्या क्रूज, जो है कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आपको ये बताएं इसके बारे में अपडेट, तो ये जो है कि नाइट में और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। यहाँ पे लगा हुआ है नीचे एसी कंपार्टमेंट में, जैसे दो कंपार्टमेंट हैं, एक फ्लोर जो ऊपर का फ्लोर है और नीचे एक फ्लोर है। और ये लगा हुआ है दोस्तों अयोध्या क्रूज, इस पर लिखेगा लाइटिंग शो है। और आप देख सकते हैं घाट का व्यू इस पे से जो है कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अंदर ये देखिए दोस्तों, ये जो है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट है, अंदर नीचे की तरफ ये पहला कंपार्टमेंट है, नीचे भी दो कंपार्टमेंट है। और आप देख सकते हैं सीट और डिज़ाइन, यहाँ पे जो है कि फ्रीज भी, ये क्या बोलते हैं, एसी भी लगा हुआ है और यहाँ पे एलईडी टीवी लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप एसी और एलईडी टीवी भी इसमें लगा हुआ है। बैठने के लिए बगल बगल में सुविधा और बहुत सारी अनेक चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन कलर में अंदर प्रवेश द्वार है। और इसके जो है कि प्रोपेलर्स को आपको दिखाएं हम, ये देखिए यहाँ से जो है कि शिप को संचालन किया जाएगा इस क्रूज को, जो कि रेडियो सिस्टम से लैस है, पूरा अपग्रेडेड एकदम है और फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये डबल इंजन शिप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल इंजन शिप लगा हुआ है ये। और दोनों तरफ जो है कि सेम कंपार्टमेंट बनाए गए हैं और दूसरे तरफ भी कंपार्टमेंट लगभग सेम ही है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बट यहाँ पे एसी एक ही तरफ लगा हुआ है, एक ही एसी से पूरी कंपार्टमेंट को कूल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी ठंडी का मौसम आ ही रहा है, तो अभी उतना अपग्रेडेड नहीं है। और आगे चल के इसमें भी अभी इनोग्रेशन और बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ की सुविधा जनक लगेंगी, जो भी चीज़ें यहाँ के लायक रहेंगी वो चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा। और बनारस में आप लोगों ने देखा होगा सिपो को, वैसे ही सेम टू सेम ऊपर जो है कि लाउंज एक्सेस की तरह, जो है कि स्विमिंग पूल की तरह दो यहाँ पे स्लीपिंग बेड भी लगाए गए हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सायरन और लाइट का भी सुविधा है, यहाँ से लेजर लाइट भी चलाया जाएगा, जो कि यहाँ के आगे के रास्तों में हेल्प करेगी। और यहाँ पे सायरन के लिए भी लगा हुआ है और सेफ्टी का भी दोस्तों फुल इंतज़ाम है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, लाइफ जैकेट नीचे अंदर था और लाइफ जो है कि यहाँ पे बॉल टायर भी रखे गए हैं यहाँ पे जो है कि सुविधा के लिए। और इस वक्त समय है 5:00 कुछ और यहाँ इसके चलने का अब टाइम है, तो इसके बारे में अब आपको और अपग्रेड हम नाव से देते हैं। और इसके साथ साथ दो जो बोट आई थी जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे बताया था, उस बोट को भी आपको दिखा रहे हैं। ये रही एक बोट और दूसरी बोट पे हम लोग खुद अभी जाएंगे, तो आपको उसका व्यूज़ भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं रेड कारपेट बिछाया गया है यहाँ पे स्वागत के लिए आने के लिए, ये देखिए सामने। और ये रही दूसरी बोट दोस्तों, ये बोट भी जो है कि इसी के साथ आई हुई है, इसी क्रूज के साथ। और ये दूसरी वाली, ये दोनों बोट जो है कि इसी क्रूज के साथ रहेंगे। तो अब हम लोग खुद जा रहे हैं दूर से वाटर्स के अंदर से, जैसे आप सरयू नदी के अंदर से इसका व्यू कैसा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम की यहाँ पे अलग अलग रूप में प्रतिमाएं बनाई गई हैं और शिप को अभी खूब ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया है और बहुत ही सुंदर और सुनहरा लग रहा है। और यहाँ के आरती घाट का भी फोटोज़ इसमें दिखाया गया है और अयोध्या के बहुत सारे मंदिरों के बारे में भी दिखाया गया है। ये देखिए आई लव क्रूज लिखा हुआ है और इसमें दोस्तों बहुत सारी लाइटिंगें भी होंगी। आप पीछे नए घाट देख सकते हैं आप सामने, और ये जो है कि टाटा मेमोरियल पुल है जो कि नए घाट पे पड़ता है, ये गोंडा और अयोध्या को एक साथ जोड़ता है। और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसकी स्टोरी भी है कि ये जो है कि
ये देखिए दूसरी सिप। और इसकी स्टोरी ये है दोस्तों कि रतन टाटा की फैमिली एक बार माता जी आई हुई थी, तो उन्होंने इस पुल के तरफ से जाने का मतलब नाव चलती थी पहले, तो वो जो है कि उन्होंने कहा कि हमें इस नाव से जाना है, तो कोई लोग मरे हुए थे तो उन लोगों को पहले जाने दिया गया, तो उस वजह से रतन टाटा ने इस पुल का निर्माण कराया। इस पुल को टाटा कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्माण कराया गया है और इसका फुल जो खर्च वगैरह है वो भी टाटा कंपनी ने खुद उठाया है इसका खर्च। आप देख सकते हैं सरयू घाट को। और इसी तरह दोस्तों इस क्रूज़ से आप आनंद ले सकते हैं घाटों का, और क्रूज़ इधर तक आएगा इस तरफ होके और उसके बाद से फिर गुप्तार घाट के तरफ वो क्रूज़ जो है निकलेगा। यहीं पे दोस्तों पास में है हेलीपैड, आप लोगों को पता होगा पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने आपको दिखाया है, यहीं पास में है हेलीपैड। ये देख सकते हैं आप, सामने हेलीपैड दिखाई दे रहा है ये सेकेंड फ्लोर के पास में ही। और अब ये रामकथा पार्क है, अब हम लोग फिर रिटर्न जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। और ये जो दोस्तों छोटी छोटी बोट है ये एक तरीके से लाइफ बोट है ये क्रूज़ के लिए, क्योंकि ये बोट जो है ये बोट भी उस क्रूज़ के साथ साथ आगे और पीछे दोनों तरफ होके ये भी गुप्तार घाट तक जाएंगी, क्योंकि सेफ्टी और सुरक्षा के लिए उस बोट के लिए ये भी बोट जो है कि गुप्तार घाट तक जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी भी यही होती है क्योंकि वो जो बड़ी वाली क्रूज़ बोट है यहाँ पे कई जगह डेप्थ कम है तो वाटर लेवल भी कम है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से इस बोट को भी साथ में लेके जाया जाएगा। और दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा इस बोट में घूम के। ये देख सकते हैं हमारे साथ इस क्रूज़ टीम के ही कुछ लोग थे जो कि बहुत ही अच्छे लोग थे, ये लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और हम लोग को भी साथ में लेके गया, तो हम लोग शूट करके आप लोग के लिए ये वीडियोस लेके आए हैं क्रूज़ का। ये पानी के अंदर से सरयू नदी के ऊपर से हम लोग ये शूट करके लाए हैं अलग से। आप देख सकते हैं ये सामने क्रूज़ दिखाई दे रहा है पूरे तरीके से भगवा में, और सामने नए घाट राम की पैड़ी, पीछे राम की पैड़ी वाली मंदिरें दिखाई दे रही हैं आपको बहुत सारी। ये देखिए क्रूज़ है जो कि दो फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर नीचे है और सेकंड फ्लोर ऊपर ओपन फ्लोर है। इसमें दोस्तों टोटल 100 लोग बैठ सकते हैं। और इसकी विशेषताएं और बताएं तो यहाँ पे इसमें 300 रुपये तक भाड़ा लगेगा प्रति व्यक्ति, किराया इसका 300 रुपये रखा गया है। और इसमें जो है कि आपको स्नैक वगैरह मील भी मिलेगा, मतलब एक नाश्ता भी मिलेगा, ये भी उसी प्राइस में कैलकुलेटेड है। और आपको बताएं ये टोटल 18 किलोमीटर का टूर कराएगा, जर्नी कराएगा, यहाँ से ये गुप्तार घाट जाएगा और गुप्तार घाट से फिर वापस ये यहीं नए घाट लेके आएंगे। और इस क्रूज़ का नाम है जटायु। और आपको बताएं दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी घटना भी हो गई, दो लोग जो है कि पानी में गिर गए थे, ये पता नहीं क्रूज़ से गिरे कि क्रूज़ से बाहर से, बट इसी समय की बात है जब इस क्रूज़ की ओपनिंग टाइम थी तभी की यहाँ पे दो लोग जो है कि डूब गए, और वो पता नहीं फिर मिले कि नहीं मिले। यहाँ पे पूरी प्रशासन और जो लोकल मछुआरे लोकल जो बोट वाले हैं, यहाँ पे पहले से भी बोट की सुविधाएँ हैं, यहाँ पर आप कभी आए होंगे तो देखे होंगे यहाँ पर बोट पहले से भी चलती हैं, जो कि 50 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लेते हैं और वो कुछ दूर घुमा के एक राउंड घुमा के और यहाँ पे फिर वापस उतार देते हैं। ये गोताखोर जो है कि उसी व्यक्ति का तलाश कर रहे हैं जो व्यक्ति इस पानी में गिर गए थे, आप देख सकते हैं। और भी जो कि बोट वाले हैं उनको भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे लेके आई, और उसके बाद से जो है कि वो लोग भी इसमें कूद के और इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कर रहे थे। और यहाँ पे जिला कप्तान वगैरह और बड़े बड़े बहुत बड़े आला अधिकारी भी आए हुए थे इसमें, जो है कि बहुत ही रिसर्च हुआ, खोज हुआ कि वो व्यक्ति मिला कि नहीं मिला। देख सकते हैं आप भीड़ बहुत ज़्यादा लग गई थी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अयोध्या से ऐसे ही अपग्रेडेड वीडियोज़ आप देख सकें। और यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग का एक सेरेमनी प्रोग्राम भी रखा गया था
जहाँ पे फूड वगैरह भी, खाना वगैरह भी फ्री में मिल रहे थे, तो यहाँ पे खाना वाना का भी हम लोगों ने आनंद लिया।